हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो अपने प्रश्नावली नंबर 8 चल रही थी, जिसके हमने 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमने 19 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या पूछा गया अपने से। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो, पहले अपने क्या बनाना है, डायग्राम बनाएंगे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो भवन बनाना है, भवन की हाइट क्लियर करनी है अपने को 7 मीटर। तो ये भवन बना लेते हैं अपने पास में और इसकी हाइट हो जाएगी 7 मीटर। ये 7 मीटर, ये भवन की ऊंचाई जो 7 मीटर दी है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का, इसके शिखर से कोई टावर है उसका शिखर देखना है और शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। ओनियन कोण की बात हो रही है, इसका मतलब टावर जो है इस भवन से थोड़ा बड़ा है। तो अपने ये बना लेते हैं अपने पास में, ये हो जाएगा टावर, क्योंकि इसके शिखर से टावर के शिखर को देखेंगे तो ओनियन कोण बनना चाहिए। ओनियन कोण तो बनेगा जब ऊपर की ओर कोण बनता है, उसको बोलते हैं ओनियन कोण। तो यहाँ से ऊपर की ओर कोण बनना चाहिए, अगर अवनमन बोलता तब टावर अपने छोटा बना लेते इस भवन से। यहाँ पर ओनियन कोण बोला, इसलिए टावर अपने बड़ा बनाएंगे, टावर का शिखर जो है इसके शिखर से ऊपर लेकर जाना। तो अपने बोला गया ओनियन कोण जो है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अगर यहाँ से देखें ऊपर की ओर तो 60 डिग्री है और यहीं से अगर नीचे की ओर देखें तो 45 डिग्री है। तो देखो ओनियन कोण और अवनमन कोण इस बिंदु से अपने को दोनों बनाने हैं। तो चाहे अपने ओनियन कोण बनाए चाहे अपने अवनमन कोण बनाए, उसके लिए अपने पास में क्षैतिज रेखा का होना जरूरी है, जो अपने को दी हुई नहीं है। तो अपने पहले क्षैतिज रेखा डालेंगे इस प्रकार से, ये क्षैतिज रेखा होगी। अब अपने इसके शिखर से इसके शिखर को मिलाएंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा ओनियन कोण, जो अपने को दिया गया है 60 डिग्री। और इसके शिखर से टावर का पाद बिंदु, बोलेंगे ना टावर का पाद का अवनमन कोण, यानी टावर के पाद बिंदु का जो नीचे की ओर कोण बनाएंगे तो ये अपना पास में रहेगा अवनमन कोण और इसकी हाइट दिया गया अपने को 45 डिग्री। तो अपने पूछा गया है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये अपने पास में टावर है यहां से लेकर यहां तक, तो नाम डाल देते हैं आकृति का ए बी सी डी और ई। तो देखो ए से लेकर बी तक जितनी हाइट है उतनी अपने पास में बी से लेकर सी तक हो जाएगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 रख देंगे, अगर 8 है तो ये भी 8 रख देंगे। अपने पास में कितनी दी हुई है 7, तो अपने बी से लेकर सी तक भी क्या रख देंगे 7 मीटर रख देंगे। अपने को तो टावर की पूरी ऊंचाई याद करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन अपने पास में दी मिली कहाँ तक है, बी से लेकर सी तक मिल गई, इतनी बकाया रही। तो ये अपने निकालनी है, वो इसके अंदर जोड़ देंगे तो अपने पास में पूरी हाइट आ जाएगी टावर की, जो अपने को याद करनी है। तो देखो अपने क्या करेंगे कि अपने पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है ई डी सी और एक ये वाला बन रहा है डी सी बी। तो अपने को ये एच ज्ञात करना है यहाँ, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको अपने एच लिख लो। अब देखो क्या करेंगे कि अपने पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं ई डी सी और एक बन रहा है सी डी बी, तो इन दोनों त्रिभुजों से इसको अलग करेंगे तो अपने पास में मान आ जाए। अब देखो ये थीटा है, तो थीटा के सामने मैंने देखा क्या है, ये वाला हो जाएगा लंब और ये अपने पास में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो इसके सामने वाली रेखा ये हो जाएगी करण और इस त्रिभुज में इसके सामने वाली रेखा ये हो जाएगी करण, और ये थीटा जिसके सामने वाली रेखा ये हो जाएगी लंब और इसमें ये थीटा जिसके सामने वाली रेखा ये हो जाएगी लंब। तो इन दोनों त्रिभुजों से करेंगे, तो देखो अपने पास में लंब तो है यानी एच है, लेकिन अपने पास में आधार नहीं है, नहीं करण है, तो इसमें थीटा थीटा के सामने वाली रेखा ये है और दोनों में ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा कॉमन आ रही है, इसलिए इसका मान रख लेते हैं अपने, इसका मान रख लेते हैं x, यानी d से c तक का मान रख लेते हैं x, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो देखो दोनों से करेंगे, तो पहले अपने x का मान निकालेंगे, अगर x का मान निकल जाए तो अपने पास में h का मान आ जाएगा आसानी से। तो देखो x का मान अपने कहां से याद करेंगे कि ये देखो जैसे a से लेकर d तक 7 मीटर है, तो b से लेकर और c तक भी 7 मीटर है, वैसे d से लेकर c तक x है, तो अपने पास में a से b तक भी अपना क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये x का मान जो अपने इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे a b और d से, इस वाले से a b और d से। अब देखो अगर अपने पास में, आपको मैंने पहले बोला है कि ओनियन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो देखो यहां पर क्या है कि ये यहां 45 डिग्री का अवनमन कोण दिया है, तो यहां पर भी जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा 45 डिग्री का, यानी अवनमन कोण और ओनियन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और चाहे दूसरा देखो तो ये देखो जेड की आकृति में दोनों बन रहे कोण, तो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं वो दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो अपने एक्स का मान ज्ञात करना है, तो अपने इस त्रिभुज से हल कर लेंगे,
थीटा हो गया और थीटा के सामने में देखा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, तो तीनों चीजें मिल गई और अपने इस त्रिभुज से इसको कर लेंगे ए बी और डी सी। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, तो अलग डायग्राम बनाओ, अलग मान लो इसको इस प्रकार से ये हो जाएगा अपने पास में ए बी और डी, इसका नाम लो ए बी और डी। ये अपने पास में एक्स है, ये अपने पास में ए से डी तक 7 है, यहां पर अपने पास में थीटा जो है 45 डिग्री। अब देखो थीटा के सामने में रेखा क्या होती है, लंब, और 90 डिग्री के सामने में रेखा क्या होती है, कर्ण, और ये रेखा क्या होती है, आधार। तो अपने पास में थीटा के सामने में रेखा लंब है और आधार है, तो इसके लिए सूत्र बताया था आपको मैंने, लाल बटा कक्का वाला। फर्स्ट होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का। तो अपने पास में लंब और आधार मिल रहा है इस वाक्य में, तो अपने लंब और आधार को किस में मिल रहा है, लंब और आधार, अपने टेन थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब देखो थीटा के लिए थीटा का मान रख देंगे, थीटा अपने पास में कितना है 45 डिग्री, तो लिख देंगे टेन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब अपने पास में कितना है 7 बटा में आधार, आधार अपने पास में कितना है x। तो आगे इसको हल करेंगे तो tan 45 का मान लेंगे, tan 45 का मान होता है 1 बराबर में 7 बटा में x। अब देखो 1 के बटा में कुछ नहीं, तो अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं 1। अब बीच में आ गया बराबर का निशान और दोनों तरफ बन गई भिन्न, तो इनका अपने क्या करेंगे वज्र गुणा, याद रखना जब बीच में बराबर का निशान हो दोनों तरफ भिन्न हो तो उनका वज्र गुणा बोल दो, चाहे तिरछा गुणा बोल दो, चाहे त्रिक गुणा बोल दो, एक ही बार। तो x का x से गुणा करेंगे x और 7 का x से गुणा करेंगे 7। ये अपने समीकरण नंबर डाल दो 1, क्योंकि अपने को x का मान निकालना, तो वो अपने आप रखेंगे। अब देखो अपने को तो h चाहिए और h कौन से त्रिभुज में आ रही है, e d और c, तो अपने लिख देंगे अब दूसरे से त्रिभुज से त्रिभुज e d c से, e d c से, तो इसका अलग चित्र बना लेते हैं। इस बिंदु का अपने पास में नाम दिया हुआ है E और इस वाले बिंदु का दिया हुआ है D और इस वाले बिंदु का दिया हुआ है C। तो यहाँ पर अपने को थीटा देखो कितना डिग्री दिया हुआ है 60, लिख देंगे 60, और ये एच अपने को याद करनी है तो लिख देंगे एच, और एक्स चाहे एक्स की अभी मान दो चाहे लास्ट में रख देना, तो एक बार एक्स का एक्स लिख देते हैं। तो इससे करेंगे तो देखो थीटा है, थीटा के सामने वाली रेखा क्या है लंब होती है, और ये 90 डिग्री का कोण है, इसके साथ सामने वाली रेखा ये वाली कर्ण होती है और ये रेखा आधार है। तो इसके पास में इसके अंदर अपने पास में देखो लंब और आधार दो चीजें मिल रही है, तो लंब और आधार किस में मिलता है टेन में, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा टेन थीटा वाला, लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो आगे इसको हल कर लेते हैं, तो देखो टेन थीटा, थीटा अपने पास में कितना है 60 डिग्री, तो लिख देंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब देखो कितना दिया अपने पास में एच बटा में आधार, आधार अपने पास में क्या है एक्स है, तो टेन साफ, टेन साफ का मान होता है रूट 3 बराबर एच बटा में एक्स। अब देखो यहां पर रूट 3 के बटा में कुछ नहीं क्या कर सकते हैं एक, और इसको आगे हल कर लेंगे तो वही बराबर उठाना है और दोनों पर डिले किसका कर लेंगे अपने वज्र गुणा करने पर, तो एच का एक्स से गुणा करेंगे एच हो जाएगा बराबर में रूट 3 का एक्स से गुणा करेंगे रूट 3 एक्स हो जाएगा। ये दूसरे त्रिभुज से कर लिया तो इसमें पास में 2। देखो अपने को तो h का मान निकालना है और h का मान √3x आ चुका है, तो ये x आया हुआ है पूरा मान दिया है, तो इस x की जगह इस x का मान रख देंगे, और x का मान अपने पास में कहां पर है ये यहां पर दिया हुआ है 7, तो लिख देंगे x का मान यहां से उठाकर और उस समीकरण में रख देंगे समीकरण 1 से उठा करके समीकरण 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो इसको हल करने की हो जाएगा h बराबर रूट 3 x, x की जगह अपने क्या लिखना है 7 लिखना है, तो ये हो जाएगा h बराबर रूट 3 का रूट 3 कोई निशान नहीं बीच में, तो गुणा का x, x की जगह अपने लिख देंगे 7। तो आगे इसको हल कर लेते हैं, इधर मैं साफ कर देता हूं इसको, तो देखो कि अपने पास में आ गया, तो अपने देखो आगे रख देते हैं इसको आ जाएगा अपने पास में h बराबर रूट 3 गुणा 7,
अब देखो सात का रूट तीन फिर करें तो एच बराबर सात रूट तीन ये हो जाएगा। लेकिन अपने को तो पूरी हाइट पूछी है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और अपने पास में एच का मान आ गया तो ये इसके साथ में जोड़कर लिखना है। तो लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे अपने पास में देखो बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक की लंबाई के अंदर अपने सी से लेकर ई तक की लंबाई जोड़ देंगे तो बी सी प्लस लिख देंगे सी ई सी ई। देखो बी सी अपने पास में कितना है सात और सी ई सी सी ई अपने पास में देखो क्या है जिसको हमने एच माना था एच का मान क्या गया सात रूट तीन। अब देखो इसको आगे और कर लेते हैं तो अपने पास में हो जाएगा ये यहां पर कर लेते हैं इसको तो हो जाएगा ऊंचाई बराबर सात प्लस सात रूट तीन है। तो देखो दोनों में अब एक तो संख्या क्या है रूट वाली है और एक बगैर रूट वाली है तो दोनों जुड़ नहीं रही। अगर या तो दोनों बगैर रूट वाली होती तब जुड़ जाती है या दोनों रूट वाली होती तब जुड़ जाती है तो यहाँ पर जुड़ नहीं रही इसलिए दोनों में कॉमन निकाल देंगे। दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है इधर भी सात मिल रहा है और इधर भी सात मिल रहा है जो संख्या सेम है उसको बाहर निकाल देंगे तो लिख देंगे सात। अब देखो इधर से सात बार जा चुके हैं तो कुछ नहीं बचा इसका मतलब लिख देंगे एक और प्लस यहाँ पर देखो सात बार जा चुके हैं तो यहाँ पर बच गया रूट तीन तो ये हो जाएगा अपना आंसर ऊंचाई का लिख देंगे सात ब्रैकेट। अब रूट तीन को पहले लिखना चाहते रूट तीन पहले लिख सकते हो रूट तीन प्लस एक अपने पास में पूरी ऊंचाई हो जाएगी। अगर फिर भी पूरा लिखना है तो रूट तीन का मान रख लो और आगे वाला लिख लो तो लिख देंगे ऊंचाई बराबर सात रूट तीन का मान क्या होता है एक पॉइंट सात तीन दो प्लस एक हल कर लेंगे तो सात। अब एक पॉइंट सात तीन दो में एक जोड़ेंगे तो अपने पास में हो जाएगा दो पॉइंट सात तीन दो। अब देखो दोनों के बीच में किसका निशान है इधर ब्रैकेट का है इसका मतलब जहां पर ब्रैकेट का निशान होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है तो सात का इससे गुणा करने वाला देखिए अपने कर लेते हैं गुणा तो ये हो जाएगा यहां पर कर लेते हैं इधर गुणा कर लेते हैं दो पॉइंट सात तीन दो और गुणा किससे करना अपने को सात से तो सात में चौदह एक सात इक्कीस और एक बाईस दो सात सौ उनचास और एक पचास इक्यावन और सात में चौदह और पांच उन्नीस तो ये अपने पास में हाइट हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी इसकी ऊंचाई बराबर उन्नीस पॉइंट एक दो चार मीटर। ओके फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा समझ में आया कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा समझ में आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए।